सुपर एलेक्स फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप यादव स्वागत करता हूं आपका एलेक्स परिवार में। दोस्तों, आज एक गंभीर विषय पे हम बात करने वाले हैं। एक बहुत ही आजकल मैं देखता हूं, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं और आप भी उस चीज से आपका भी सामना हुआ होगा। आज हम बात करेंगे हृदय रोगों के ऊपर, हार्ट डिजीज। एक बहुत संवेदनशील एक मामला है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि सर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, स्टंट डालना पड़ेगा, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, उसके बाद एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, स्टंट डालना पड़ेगा, लाखों रुपए खर्च होंगे। और ऐसा कुछ जाते ही सब जो भी हृदय रोगी मरीज हैं उनको जाते ही सबसे पहले हॉस्पिटल में ये सुनने को मिलता है कि सबसे पहले आपकी एंजियोग्राफी होगी। एंजियोग्राफी करते करते उनको बताया जाता है कि अंदर इतना ब्लॉकेज है, जल्दी बताइए, जल्दी पैसे जमा कीजिए, आपकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, स्टंट डालना पड़ेगा। बहुत बड़ा एक आतंक बना हुआ इस बीमारी को लेकर, लोगों में दहशत बनी हुई है कि आखिर ये है क्या हार्ट डिजीज जिसकी वजह से लोगों को स्टंट डालना पड़ रहा है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली है क्या। देखिए, हार्ट जो एक हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, आप सबको पता है, इसका कार्य क्या है। हृदय का कार्य है कि सारे शरीर में ब्लड सप्लाई करना, सारे शरीर को खून की सप्लाई करना। एक मोटर है, एक पंप है जो हमेशा पंपिंग करता रहता है और सारे शरीर में अपना खून पहुंचाता रहता है। अब जब हार्ट खुद को भी तो ब्लड की जरूरत पड़ेगी, हार्ट तो सारे शरीर में ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट की मसल्स को खुद को ब्लड भी चाहिए और उसको सप्लाई करने के लिए है कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज, ये कोरोनरी आर्टरीज हैं जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। इस ये वो आर्टरीज है जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। और अगर हार्ट को एक सेकंड के लिए भी अगर ब्लड सप्लाई अगर उसकी बाधित हो जाए तो हार्ट का वही हिस्सा डैमेज होने लगता है, सीवियर पेन होने लगता है और इसी को कहा जाता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक और कुछ नहीं है, हार्ट को जाने वाले ब्लड की जो सप्लाई है उसमें ब्लॉकेज होना ही हार्ट अटैक है। किसी को अचानक हार्ट अटैक कभी नहीं होता। हार्ट अटैक बहुत लंबी प्रक्रिया है, नसों में कोलेस्ट्रोल या सारी चीजें जमती रहती हैं। धीरे धीरे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर अचानक जाके किसी दिन हार्ट अटैक होता है। सबसे पहले आपको लक्षण नजर आएंगे, आप चलेंगे तो आपको सांस फूलने लगेगी, आपको कभी कभार छाती में हल्का दर्द होगा, आपको घबराहट होगी, ये सारे लक्षण होंगे। जब आप रेस्ट करेंगे तो आराम मिल जाएगा। तो इस चीजों इन लक्षणों को इग्नोर लोग करते रहते हैं और किसी दिन अचानक उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये क्या है ये बीमारी, इसको कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, आजकल इस बीमारी ने एक, मैं आपको अगर बताना चाहूं कि कमर्शियल रूप ले लिया है, ना चाहते हुए भी लोगों के गलत ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उनको स्टंट डाले जा रहे हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को सामने आते हैं कि उसको स्टंट की कतई जरूरत नहीं थी, उसको इतनी ब्लॉकेज उसको नहीं थी कि उसको स्टंट डालना पड़े, लेकिन फिर भी स्टंट डाला जा रहा है थोड़े से फायदे के लिए। आपको क्या लगता है, किसी आदमी को अगर एक बार स्टंट डल गया तो क्या वो जिंदगी नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा आदमी? नहीं दोस्तों, वो आदमी जिंदगी को भोगता नहीं है, जिंदगी को भुगतता है। और भगवान ने हमें जो जीवन दिया भोगने के लिए दिया है, भुगतने के लिए नहीं है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी तरह की ब्लॉकेज में स्टंट डलाने की कतई जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान ने बहुत पावरफुल प्लान हमारे लिए बनाया है। क्या प्लान बनाया है? बहुत पावरफुल प्लान है। जब एक कोरोनरी आर्टरीज है, अगर बाई चांस उसमें ब्लॉकेज हो भी जाती है, अगर ब्लॉकेज हो गई तो उसके लिए कोलेटरल आर्टरीज भगवान ने बनाई है कि अगर यहां से ब्लड नहीं जाएगा तो अच्छा दूसरी कोलेटरल आर्टरीज खुल जाएंगी और ब्लड हार्ट तक जाना शुरू हो जाएगा। अगर किसी छोटी से छोटी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो उसको डॉक्टर बोलते हैं 90% ब्लॉकेज है, जल्दी बताओ स्टंट डालना पड़ेगा, कतई जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो यह कि हमें इस बीमारी से घबराना नहीं चाहिए। एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हमारे खुद के लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा हुआ है, तो हमें इन चीजों से बचना है। बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए क्योंकि एक संवेदनशील मामला है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सर ऐसे दिक्कत है, डॉक्टर अचानक आपको बताता है कि आपके तो इतना परसेंट ब्लॉकेज है तो लोग घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, सारे घर में हड़कंप मच जाता कि यार ये क्या हो गया, कल तक बिल्कुल ठीक था, आज बता रहे इतना परसेंट ब्लॉकेज है, स्टंट डालना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस बीमारी से बिल्कुल ना घबराएं, खुश रहें। ये बीमारी इतनी भयानक नहीं है जितना इसको रूप दिया जा रहा है। अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो वैसे जैसे मैंने बताया कि उसकी कोलेटरल आर्टरीज खुल जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ब्लॉकेज हो गई है तो उसको खोलने के लिए स्टंट तो बिल्कुल एक अच्छी चीज नहीं है, ना ही होनी। एक बार स्टंट अगर डलेगा तो स्टंट में बार बार ब्लॉकेज होने लगेगी। आप समझ सकते हैं ऐसे ही जैसे कोई नाली है, पानी की नाली है, उसमें पानी बह रहा है, अगर उस पानी को नॉर्मल फ्लो की बजाय वहां पे एक जाली लगा दी जाए कि इसमें से छनके जाएगा, तो आप खुद समझदार है कि ब्लॉकेज होने के चांस ओपन नाली में ज्यादा रहेंगे या छलनी डलने के बाद ज्यादा रहेंगे। सीधी सी बात है, छलनी डलने के बाद।
जहां पे छलनी डलेगी वहां पे ब्लॉकेज के ज्यादा चांसेस रहेंगे। ऐसे लोगों को बार बार रिपीटेशन ऑपरेशन होता रहता है, डॉक्टर अपने छोटे से स्वार्थ के लिए उसका एक बार ऑपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद हर साल दो साल तीन साल हर साल बाद उसको बेचारे को ऑपरेशन या स्टंट चेंज करवाना पड़ता है। ऐसी सभी चीजों से बचना है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, हमारी हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है, बहुत साधारण तरीके से ठीक किया जा सकता है। उसके लिए हमें अपनी पद्धति यूज करनी पड़ेगी दोस्तों। अंग्रेजी पद्धति हमारी किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकती, हमारी खुद की पद्धति है। और आप सबको पता है हमारी खुद की पद्धति कौन सी है, आयुर्वेद। आयुर्वेद का सहारा लेके नेचुरल डाइट यूज करके बड़ी सी बड़े ब्लॉकेज को खोला जा सकता है। आपने बिल क्लिंटन का नाम सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। उनको ब्लॉकेज थी, उनको सीवियर ब्लॉकेज थी, उनके बहुत सारे ऑपरेशन हुए, बार बार रिपीटेड ऑपरेशन होते रहे, उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो पाए। तो उन्होंने नेचुरल भारतीय शाकाहार डाइट का हिस्सा लिया, उन्होंने शाकाहार भोजन अपनाया, नेचुरल डाइट उन्होंने खाई, उन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया और उनकी सारी ब्लॉकेज ठीक हो गई। आज वो बिल्कुल ठीक है, उनके इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था। तो दोस्तों अच्छा भोजन, शाकाहार भोजन यूज करके अपनी जीवन शैली को ठीक करके और आयुर्वेद का सहारा लेके हर तरह के ब्लॉकेज को ठीक किया जा सकता है। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए जिसको ये बोला गया 80% ब्लॉकेज है, आपको ये हो जाएगा, तुरंत ऑपरेशन कराइए, आज वो बिल्कुल स्वस्थ है एक से दो महीने में। आप भी हो सकते हैं दोस्तों, घबराइए नहीं। किसी भी तरह की अगर इस तरह की कोई भी ब्लॉकेज या बीपी या इस तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप उससे बिल्कुल ना घबराएं, अपना जीवन शैली में बदलाव करें, अपने खाने में बदलाव करें और साथ में आयुर्वेद का सहारा लें। तो आज उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद में कैसे उस चीज का सहारा लिया जा सकता है। सबसे पहली बात, अगर किसी को हृदय रोग है तो उसके कुछ लक्षण हो सकते हैं, उसको चलने से घबराहट हो सकती है, सांस फूल सकते हैं, पसीने आ सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, ये सब कुछ लेवल, आपका लिपिड प्रोफाइल पूरा चेक करेंगे, उसमें एबनॉर्मलिटीज मिलेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको ब्लॉकेज है। तो ये सारी समस्याएं लोगों को नजर आने लगती हैं तो समझ लीजिए आपके हार्ट पे या नसों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज शुरू हो गई है। तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, आपको शाकाहारी भोजन लेना है, कच्चे फल और कच्ची सब्जियां खानी है, कोई भी पशुओं से मिलने वाली कोई चीज आपको नहीं लेनी है, उसमें घी दूध डेयरी प्रोडक्ट सब कुछ बंद है, कोई भी नॉनवेज चीज आपको नहीं लेनी है। तो ये सारी चीजें करनी है। उसके अलावा आपको रोजाना 45 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। योगा अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात, आप योगा कर सकते हैं, अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें करें और साथ ही साथ हमने क्या किया है दोस्तों, आपके लिए पहली बार हम ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए हैं अलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में, जिनका प्रयोग करके बड़ी से बड़ी हृदय रोगों को या ब्लॉकेज को आसानी से ठीक किया जा सकता है। 3 बेहतरीन प्रोडक्ट की रेंज है हमारे पास, मैं आपको एक एक करके उनके बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूं। सबसे पहले हमारे पास है हार्ट केयर, हार्ट केयर टैबलेट, जैसा आपको नाम ही पता चलता है हार्ट केयर। ये ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट हमने बनाया है जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, जो आपका लिपिड प्रोफाइल में एबनॉर्मलिटीज है, उनको ठीक करने के लिए तैयार की गई है। इसमें स्पेशली हमने सिनेमन, अल्फा अल्फा, रसोन, अर्जुन, गुगलू, यष्टि मधु, शिलाजीत आदि कंटेंट डाल के ये हार्ट केयर टैबलेट बनाई है, जो शरीर में कहीं की भी ब्लॉकेज खोलने में सक्षम है। और जैसे इसका नाम है हार्ट केयर, जरूरी नहीं कि हार्ट के लिए ही है, हार्ट के लिए तो है ही, इसके अलावा कहीं भी ब्लॉकेज है, पैर की नसों में ब्लॉकेज है, ब्रेन में ब्लॉकेज है, कहीं भी नसों में ब्लॉकेज को खोलने के लिए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमने बनाया है हार्ट केयर। ऐसा कोई भी पेशेंट है, एक एक टैबलेट सुबह शाम आप उसको देना शुरू कीजिए। उसके बाद हार्ट वाले पेशेंट को 2 लक्षण मिलेंगे, या तो उसका बीपी ज्यादा मिलेगा, मोस्टली लोगों का ज्यादा मिलता है, या बहुत सारे लोगों का बीपी कम भी होता है। उसी के लिए हमने 2 बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट बनाए हैं, हाई बीपी केयर एंड लो बीपी केयर। हाई बीपी आपने बहुत सारी कंपनियों का देखा होगा कि हाई बीपी केयर प्रोडक्ट आता है, ये क्या है हाई बीपी केयर प्रोडक्ट, ये बढ़े हुए बीपी को कम करने के लिए एक बहुत ही शानदार आयुर्वेदिक रेमेडी है। इसके कंटेंट पर नजर डालें तो हमने इसमें खुरानी, निर्गंडू, जटामानसी, शर्पगंधा, पिपर, मेथी, डाइजेस्टलिस आदि कंटेंट से ही प्रोडक्ट तैयार किया है। ये इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट है कि पहले दिन से ही आपके बीपी को मेंटेन करना शुरू कर देता है विदाउट किसी साइड इफेक्ट। एलोपैथी में बहुत सारे ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाई आती है लेकिन उनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। एक बीपी को तो कम रखेंगे लेकिन उसकी वजह से दूसरी बीमारी, किसी की वजह से आपको अस्थमा हो सकता है, किसी की वजह से आपकी किडनी फेल हो सकती है, तो ऐसी सारी चीजों से अवॉइड करें। और हाई बीपी केयर नाम की ये टैबलेट है, इसको एक एक गोली सुबह शाम आप देना शुरू कीजिए। उसके बाद तीसरी पे आते हैं लो बीपी केयर, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है दोस्तों। अभी तक मैंने किसी कंपनी में, मैंने बहुत सारी कंपनियों का देखा, हाई बीपी के लिए बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, लो बीपी को हाई करने के लिए अभी तक किसी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। पहली बार हम ऐसा प्रोडक्ट ले आए हैं जिसका नाम है लो बीपी केयर, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। आज मैं देखता हूं कि मेरे पास ज्यादातर पेशेंट, खासकर महिलाएं, हार्ट की बीमारी नहीं है तो भी
80% महिलाओं को यही समस्या है कि उनका बीपी लो रहता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी है, वीकनेस है। डॉक्टर के पास आते हैं, हम क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ग्लूकोज लगा देते हैं या कोई मल्टीविटामिन खाने को देते हैं, बस ये, और कोई इलाज ही नहीं है हमारे पास, संसार में कोई इलाज नहीं है। उसके लिए हमने एक स्पेशल प्रोडक्ट आपके लिए तैयार किया है जिसका नाम है लो बीपी केयर। बहुत इफेक्टिव टैबलेट है, एक गोली सुबह एक गोली शाम को आप देना शुरू कीजिए, और फ्रॉम द थर्ड डे जितने पेशेंट में मैंने ट्राई किया है, जिन पेशेंट का बीपी 80/50 से कभी ऊपर होता ही नहीं था, तीसरे दिन से उनका बीपी 110, 70 या 120, 80 तक पहुंच जाता है। इफेक्टिव टैबलेट है, बहुत इफेक्टिव है। जिन लोगों का लो बीपी रहता है या जिनको डिप्रेशन या सिरदर्द वाली समस्याएं रहते हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है लो बीपी के। तो ये तीन प्रोडक्ट्स हैं जो आपको किसी भी हार्ट वाले पेशेंट को, चाहे 80% ब्लॉकेज है, चाहे 90% ब्लॉकेज है, चाहे 100% ब्लॉकेज है, चाहे उसका हार्ट काम नहीं कर रहा है, चाहे कोई भी दिक्कत है, ये तीन प्रोडक्ट बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। जब आप किसी पेशेंट को यूज कराएंगे तो आपको फ्रॉम द फर्स्ट मंथ उसकी सारी एलोपैथिक दवाइयां छूट जाएंगी, खून पतला करने की दवाइयां, बीपी की दवाइयां सब छूट जाएंगी, और उसकी किसी भी तरह की ब्लॉकेज है वो बड़ी नेचुरल तरीके से खुल जाएगी। दोस्तों कोई स्टेंट डलवाने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए आपसे ले दिए जाएंगे, हम मात्र कुछ 100 रुपए में आपकी ब्लॉकेज खुल जाएगी। मैंने बहुत सारे पेशेंट पर ट्राई किया है। तो आपको ये तीनों प्रोडक्ट हैं जो डेफिनेटली यूज करने हैं। साथ में जैसे पहले ही बताया, आपके दिनचर्या को सुधारना है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाना है, शाकाहार यूज करना है, वॉकिंग करनी है, ये सारी चीजें करके और साथ में ये प्रोडक्ट यूज करके मेरा दावा है दोस्तों आपसे, आप किसी भी तरह की हार्ट बीमारी को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो।